नाम गौरव है, मेरी लड़की का नाम काव्य है। काव्या और काव्या से ट्विंस बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, जुड़वा हुए थे और बहुत ही ठीक थे। और ये 2 महीने के हुए तभी उसके कोई हार्ट में दिक्कत हुई, तो हम चूरू रहते हैं, हमें बीकानेर रेफर किया गया, बीकानेर से हमें जयपुर, जयपुर से हम दिल्ली एम्स में गए। दिल्ली में उसका एक बैलून के द्वारा हुआ ऑपरेशन, उसके बाद में वैसे चलता रहा। अभी उसका अचानक कुछ दिक्कत हो गई उसको, तो हम यहाँ पे मणिपाल हॉस्पिटल है यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमने डॉक्टर विक्रम सर गोयल जी को उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि बच्ची का ऑपरेशन करना ज़रूरी है, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, इसका वाल लीकेज हो रहा है। ये बच्ची काव्या 3-3.5 साल की बच्ची हमारे पास करीब 10-12 दिन पहले ओपीडी में आई, और इसको एक अत्यंत दुर्लभ एवं कॉम्प्लिकेटेड हार्ट डिफेक्ट था, जिसे हम सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस प्लस सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन एंड बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल कहते हैं। ये बीमारी अनएमनिएबल है लाइफ के लिए, मतलब इस बीमारी के साथ बच्चे का जीना और उसको ग्रो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस सिचुएशन में इसको बचाने का, इसको सर्वाइव करने का हमारी टीम के पास एक ही रास्ता था कि किसी भी तरीके से इसका ऑपरेशन करके ये जो सिकुड़ गया है एओर्टिक वॉल, उसको नॉर्मलाइज किया जाए और एक वॉल रिप्लेसमेंट किया जाए। बीच में काव्य ठीक थी एकदम, ये ट्विंस बच्चे हैं, साथ में खेलते हैं साथ में, और इसकी तो कोई तकलीफ ही महसूस नहीं होती थी। इतना भागती दौड़ती थी कि साधारण बच्चे हैं वो भी थक जाते थे, लेकिन ये नहीं थकती थी। लेकिन अभी हम यहाँ पे दिखाने आए डॉक्टर साहब को, उन्होंने बोला कि इसके तो सडनली कुछ भी हो सकता है इसके, तो इसलिए आपको इसका ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, इसका यही इलाज है, वरना ये 2 महीने तक ही रह सकती है, इसके आगे इसका कोई लाइफ लाइन नहीं है। हमने इनको रिस्क एक्सप्लेन किया, अपनी टीम के साथ डिस्कशन किया, विक्रम सर के साथ डिस्कशन करके हमने प्लान किया कि हम इनका वाल रिप्लेसमेंट करेंगे। बस इस उम्र में इस नंबर का वाल, जिस नंबर का इनका रूट था, जो साइज़ का वाल चाहिए था, वो आता नहीं है। तो प्लान किया कि एक डिफरेंट सर्जरी, जो बहुत रेयरली कई सेंटर्स में नॉर्थ इंडिया में बहुत कम होती है और हुई भी नहीं है, हमने वो प्लान किया, रूट डायलिटेशन करके 17 नंबर का वाल डाला, और इसको हम सुगमता से कर पाए क्योंकि हमने एक स्पेशल टेक्निक के साथ इसके एओर्टिक वॉल को एनलार्ज किया, जिसे हम रूट एनलार्जमेंट टेक्निक कहते हैं, और हमने इस बच्चे में मेनिग्यन सीबोल्ड रूट एनलार्जमेंट टेक्निक को किया, और उसके चलते हम बेबी काव्या में एक अडल्ट साइज एओर्टिक वॉल रिप्लेस कर पाए सक्सेसफुली। अब ऑपरेशन के बाद में काव्या ठीक है, लेकिन वो आईसीयू वार्ड में है अभी, तो बाकी ठीक है, खाती है, जूस पीती है, स्टाफ भी अच्छा है। आई थिंक दिस इज पॉसिबल दिस जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटीज विच वी हैव इन दिस हॉस्पिटल एंड द टीम विच आई हैव इन दिस हॉस्पिटल। I wish Kavya lot of health and a great life ahead. ये मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में, इसमें मेरा इलाज बहुत अच्छा हुआ है बच्ची का, और उनका स्टाफ का, डॉक्टर साहब का, सबका मैं शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरी बच्ची को बचाया।